हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका। तो ये ड्राइंग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल्स, नीडेड इरेजर, ब्लेंडिंग स्टाम्प, ब्रश, विलो या वाइन चारकोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइन चारकोल ले लेंगे। एक स्टिक लेंगे वाइन चारकोल की, लगभग 1 इंच की स्टिक लेंगे। फिर उसे सैंड पेपर में हम स्मूथ आउट करेंगे। स्मूथ आउट करने से क्या होता है कि जो उसकी सामने की जो ऊपरी रफनेस होती है वो निकल जाती है। फिर इससे हम पेपर को टोन करेंगे। एक जनरल रूल ये होता है कि पेपर को लगभग 50% ग्रे टोन करना होता है। इसके लिए हमें जो वाइन चारकोल है उसे लगभग 2 से 3 लेयर अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने आउटलाइन पहले से बना लिया है, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप आउटलाइन पेपर को टोन करने के बाद बनाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे आउटलाइन की ट्यूटोरियल नहीं बनाने वाला था, इसलिए मैंने आउटलाइन पहले से ड्रॉ कर ली थी। अगर आपको आउटलाइन की ट्यूटोरियल चाहिए मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। फिर मैं ब्लेंड करने के लिए कॉटन का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इतने बड़े सरफेस को ब्लेंड करने के लिए हाथ का यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगेन, क्योंकि हाथ में एक्सेस ऑयल होता है जो कि ड्राइंग पेपर को ख़राब कर सकता है और ड्राइंग जो होती है वो फिर मड़ी दिखती है। अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस फ़ोटो है हमारी, तो आप रेफरेंस फ़ोटो देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि क्या चल रहा है ड्राइंग पे। चारकोल स्टिक है हमारे पास सॉफ्ट चारकोल की, उससे हम कंपेयर करेंगे अपनी रेफरेंस फ़ोटो को और लाइट और शेडोज़ को 2 वैल्यूज़ में डिवाइड कर लेंगे, एक लाइट फैमिली और एक शेडो फैमिली। इसके लिए एक मेथड है जिसको मैं कहता हूँ स्क्विंटिंग मेथड। आपको क्या करना है, अपनी आँखों को स्क्विंट करना है, मतलब आँखों को छोटी छोटी कर देना है। इससे ये होगा कि आपको सिर्फ 2 वैल्यूज़ दिखेगी, एक लाइट वैल्यू और एक डार्क वैल्यू। जितने भी फेस पे डिटेल है वो सब लॉस्ट हो जाएगी। ऐसा करके आप ऑब्जर्व करें कहाँ पर लाइट है कहाँ पर डार्क है और फिर उसे अपने ड्राइंग पे अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो एजेस है आउटलाइन उसे थोड़ा रिफाइन कर रहा हूँ ताकि आगे मुझे शेड्स अप्लाई करने में आसानी हो। जब आप आउटलाइन बनाएं तो आप हार्ड चारकोल का यूज़ करें, हार्ड चारकोल पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि ये इजीली स्मज नहीं होता और काफ़ी लाइट भी होता है कंपेयर टू मीडियम और सॉफ्ट चारकोल के। इसके बाद मैं इसे थोड़ा ब्लेंड कर लूँगा मैं चारकोल से। फिर मैं मीडियम चारकोल पेंसिल से जो डार्क शेडोज़ है उसको मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डार्क एरिया को शेड करना है। उसके बाद आपको इसके लिए अगेन मैं स्क्विंट करूँगा अपनी आँखों को, मतलब अपनी आँखों को छोटी छोटी कर दूँगा और कंपेयर करूँगा लाइट और डार्क वैल्यूज़। फिर जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक शेड ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ है शेडोज़ पे मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं मीडियम चारकोल के साथ अगेन वाइन चारकोल का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो बैक एंड फोर्थ आपको जाना पड़ेगा। फिर आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फन स्टेप पे, जो है हाईलाइट क्रिएट करना। हाईलाइट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर। तो नीडेड इरेजर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है चारकोल ड्राइंग पे। मैं यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ कि एग्जैक्ट शेडो की एजेस कहाँ पे है और लाइट की एजेस कहाँ पे है। जस्ट जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि लाइट है वहाँ पे मैं नीडेड इरेजर से चारकोल को लिफ्ट कर रहा हूँ। अगेन डिटेल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेप में डिटेल इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ब्लेंडिंग स्टाम्प का मैं यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टाम्प का यूज़ मैं आपको अगली वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। पर ब्लेंडिंग स्टाम्प का 2 यूज़ है, आप इसे स्मज कर सकते हैं, इसे आप ब्लेंड कर सकते हैं, और दूसरा यूज़ ये है कि आप इससे चारकोल को लिफ्ट कर सकते हैं। ये एक इरेजर का भी काम करता है, लाइक नीडेड इरेजर आप यूज़ करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा चारकोल को लिफ्ट कर लेता है, पर जब आप पेपर से उसे लिफ्ट करते हो तो काफ़ी आपको माइल्ड या मिड टोन मिलती है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका यूज़ जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।
सॉफ्ट पेंसिल्स जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है ऑब्वियसली, और डार्क भी होती है, तो डार्क जो शेड्स है वो हमें काफ़ी प्रिजर्व करके रखना है डार्क एरियाज के लिए। जो एरियाज काफ़ी डार्क है उनके लिए हमें प्रिजर्व करके रखना है, जैसे कि आइज़ हो गई और जो पिच ब्लैक शेडोज़ है वहाँ के लिए। तो मैंने डार्क अभी कहीं अप्लाई नहीं किया है फिलहाल, तो मैंने डार्क बचा के रखा है। मैं यहाँ पे आगे पीछे जा रहा हूँ, मतलब गोइंग बैक एंड फोर्थ, मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं रबड़ का यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, वाइन चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। अब जो स्टेज में मैं हूँ मैं उसे कहता हूँ रिफाइन करना। मैं सारी चीज़ों का एक साथ यूज़ कर रहा हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे ये रिफाइन करना है, मुझे यहाँ पे शेडो ऐड करना है या फिर मुझे ये एरिया को लाइट करना है। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग को, ऑब्जर्व कर रहा हूँ रेफरेंस फोटो को और रिफाइन कर रहा हूँ। थ्रू आउट द वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने पेंसिल को दो तरीके से पकड़ा है यहाँ पे, एक होता है ओवर हैंड ग्रिप और एक होता है जैसे हम ट्रेडिशनली पेंसिल को पकड़ते हैं वैसा वाला ग्रिप। ओवर हैंड ग्रिप जो है वो आसान होता है जब आपको एक लार्ज एरिया पे ड्रॉ करना होता है या फिर आपको स्मूथ लाइंस ड्रॉ करनी होती है, कर्व्स ड्रॉ करना होता है, सी कर्व या एस कर्व ड्रॉ करना होता है। और जो हैंड ग्रिप होती है जो ट्रेडिशनल वे में हम पेंसिल को होल्ड करते हैं वो अच्छा होता है फाइन डिटेल्स के लिए, छोटी जगहों के लिए। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए तो फ्यूचर मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सबसे लास्ट में मैं आइस पे जाऊंगा क्योंकि मैं आइस को सबसे लास्ट के लिए बचा के रखता हूँ, क्योंकि ड्राइंग की जो सोल होती है वो आइस ही होती है। धीरे धीरे मैं आइस को डेवलप करता हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी ड्राइंग सही जा रही है, मैं जब कंफर्टेबल हो जाता हूँ अपने ड्राइंग के साथ तब मैं आइस की तरफ जाता हूँ। और इस मेथड को हम कहते हैं स्कल्पटिंग करना, मतलब आप धीरे धीरे लेयर्स के ऊपर लेयर ऐड करते हो। जैसे स्कल्पचर में हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ को स्कल्प करते हैं बेस से स्टार्ट करते हैं, फिर हम धीरे धीरे उसे रिफाइन करते हैं। उसी तरह मैंने एक पेपर पे पहले एक बेस टोन डाला, उसके बाद मैंने डार्क स्टोन डाले, उसके बाद हाईलाइट डाला, अब मैं उसमें डिटेल जा रहा हूँ। तो इसे स्कल्पचरिंग भी कह सकते हैं, ये जस्ट लाइक ऑयल पेंटिंग के जैसा होता है। अगर आपने कभी ऑयल पेंट का यूज़ किया है तो ये मेथड वैसा ही है। मैं सॉफ्ट पेंसिल से जहाँ जहाँ पे डार्क एसेंट्स है या फिर डार्क शेडोज है वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ सॉफ्ट पेंसिल से। मैंने अभी तक आइस नहीं बनाई है, मैं आइस को सेव करके रखा है क्योंकि मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हूँ आइस बनाने के लिए। मैं बाकी शेडोज़ बाकी एरियाज बना रहा हूँ, बाकी फीचर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, एयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन जब आप ऐसे ओवर हैंड ग्रिप यूज़ करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे हेयर ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया है, तो आपको काफ़ी क्रिस्प और स्मूथ लाइन्स मिलती है, क्रिस्प लाइन मिलती है, लाइन्स की क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप अगर मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो आप ज़रूर चेक कीजिए और मुझे फ़िलहाल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो वीडियो मिले और जो बाकी चीज़ों की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो भी आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि आपको ये सारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो फाइनली हम आइस की तरफ आ रहे हैं और आइस में हाईलाइट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे जेल रोलिंग पैन यूज़ किया है। इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इरेजर से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इरेजर का यूज़ करें। व्हाइट सर्कल यूज़ करना ऑप्शनल है, व्हाइट सर्कल टोन पेपर के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम अच्छा टूल होता है। आप व्हाइट सर्कल की जगह अगर आपके पास व्हाइट सर्कल नहीं है तो आप नीडेड इरेजर या फिर रेगुलर इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट सर्कल टोन पेपर में काफ़ी उभर के दिखता है, तो जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पर इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ मेरी ड्राइंग में। मैं चाहे तो नीडेड इरेजर यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैं अभी तक कर रहा था, या फिर मैं रेगुलर इरेजर को फाइन शेप में कट करके भी यूज़ कर सकता हूँ। बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैंने आपको यहाँ पे व्हाइट चारकोल भी यूज करके दिखाया है कि कैसे यूज कर सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पे हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए। अगर आपको इसे और डिटेल में देखना है कि मैंने कैसे बनाया है, तो एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ जो कि रियल टाइम वीडियो है, जिसमें मैं रियल टाइम में ये ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। मैंने बैकग्राउंड वाला पार्ट को स्किप कर दिया है, क्योंकि अगर मैं उसे ऐड करता तो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो, और ये वीडियो का पर्पज़ वो नहीं था। तो मुझे कमेंट में बताया कि आपको क्या उसमें भी एक वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर अगली वीडियो पर मैं उस पर फोकस करूँगा। और यहाँ पर हमारी ड्राॅइंग कम्प्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ वतन वासनिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।